आपको इतना अंदर आग ज्वाला काहे उठ रहा है कंघी को लेके, या प्रदीप जिस बिछड़ गए हैं बाबूलाल से, इसका दर्द है? प्रदीप यादव ऐसे नेता हैं जो अपने आप को डिक्लेयर कर दिए हैं कि ये कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, लेकिन इनका कंघी से मुंह छूट नहीं रहा है। कह रहे हैं आज भी हम बाबूलाल मरांडी के नेता हैं। इसका मतलब बंधु तिर्की, बाबूलाल मरांडी दोनों के नेता प्रदीप यादव हैं। आपको इतना अंदर आग ज्वाला काहे उठ रहा है कंघी को लेके, या प्रदीप जिस बिछड़ गए हैं बाबूलाल से, इसका दर्द है? देखिए, अब तक विधानसभा में हम सबों का निर्णय पेंडिंग है, और विधानसभा के अंदर अध्यक्ष जी हम सबको झारखंड विकास मोर्चा के दल के रूप में ही ट्रीट करते हैं, जबकि हम लोगों ने अपने मर्जर का आवेदन कई महीनों पहले दिया है। तो हमने वो टेक्निकल बातें की है कि भाई इस विधानसभा के नज़र में, अध्यक्ष जी की नज़र में हम सब अभी झारखंड विकास मोर्चा ही है, और इसी हैसियत से झारखंड विकास मोर्चा के दल के नेता के हैसियत से वो मुझे बैठक में बुलाते हैं, वो मुझे सीट आवंटित किए हैं, और तीनों विधायकों की जो समय है उन समयों को इस दल को दिया जाता है। बस इतनी ही बात हमने कही। मतलब बाबूलाल मरांडी को जब भी सदन में बात रखना हो तो आपसे वो पूछ ले कितना टाइम चाहिए, आप उतना ही टाइम पार्टी के नाते उनको अलॉट करेंगे? नहीं, कुछ विषयों में तो विधायक फ्री रहते हैं कि भाई ध्यान आकर्षण, तारांकित, अल्पसूचित, शून्यकाल, ये तो दल के नेता से नहीं पूछा जाता है, लेकिन जब बहस हो बजट पर, डिमांड पर, तो ऐसे समय में दल ही आवंटित करता है। तो कोई भी दल अनुशासन, दल में अनुशासन होता है, तो जब तक यह दल अध्यक्ष जी की नज़र में टिक रहा है, विधानसभा में टिक रहा है, तब तो लाजमी है, मजबूरी है कि उन्हें दल से समय लेना होगा। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भले ही विलय हो गया हो JBM का कांग्रेस और BJP में, लेकिन दल अगर अध्यक्ष की नज़र में टिक रहा है तो पार्टी को जो समय मिलता है उसके लिए तो हमको बोलना चाहिए, और बाबूलाल जी को भी जब बात रखना होगा तो हम उनको टाइम अलॉट करेंगे। अपने आप को ही बाबूलाल का नेता अभी तक बता रहे हैं, पता नहीं बाबूलाल किसके किसके नेता हैं। The followup.in like share and subscribe www.thefollowup.in